भारत सरकार ने बेटियों के भविष्य की चिंता करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिससे देश भर के माता पिता अपने बेटियों के नाम जमा निवेश कर रहे हैं। कोरिया जिले में भी माता पिता अपने बच्चियों के भविष्य की चिंता करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खाते खुलवा रहे हैं, जिसमें निर्धारित राशि जमा कर रहे हैं ताकि उनकी उच्च शिक्षा और शादी ब्याह के समय उस जमा राशि का उपयोग किया जा सके। कोरिया कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि बेटियों के भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाएं, यह आपकी जरूरत के समय काम आएगा। अच्छी योजना है, इसमें बेसिकली 18 वर्ष के बाद जो राशि इसमें जमा होती है उसके बच्चों के पढ़ाई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक आप इस योजना से जुड़े, उसका लाभ उठाएं, जिससे कि आपके भविष्य बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छे से निकल पाएगा और इस राशि का उपयोग अच्छे से अच्छे हम कर सकते हैं। इस योजना का लाभ ले रहे हितग्राहियों का कहना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे बैंकों में जाकर खाते खुलवा रहे हैं। राजवाड़े हैं, मैं अपनी दो बच्ची प्रगति राजवाड़े और कांचा राजवाड़े के नाम से सुकन्या योजना के तहत पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा हूँ। ये मेरा प्लान है कि 18 साल तक जमा करूँ और जिसको उसके पढ़ाई लिखाई के काम आए या अन्य कार्यक्रम या सभी में काम आए, इसलिए मैं इस योजना के तहत बेटी के जन्म से 10 वर्ष तक उसके नाम पर खाता खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं।